मूर्ति मौर्या। मुझे उस बंदे से मिलना है। नाट्य संस्था लेकर अपना नुक्कड़ नाटक ईडन गार्डन वो दुनियादारी छोड़ के और उनकी मादा मेरा प्यार हम है इस खानदान के मुख्य और हमारा नाम है श्रीमान डोडसे और वो जा रही हमारी होटल से बीवी श्रीमती पेट से और ये पूरा है हमारा खानदान इसमें से कुछ क्योंकि मैडम घर पे बोर हो रही थी और कुछ इसलिए क्योंकि हम बोर हो रहे थे संभाल के रखो आ रहा हूँ भाई साहब आप सभी को बताता हूँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया इतने भाईयात भाईयात केस आते हैं कि मेरा एक भाजी सा केस पिछले 15 साल से अटका है हाँ भाई बैठ जाओ कानून को इतनी इज्जत मत दो आगे से ज्यादा तो लाल बत्ती तोड़ के आएंगे टूलो टारा मैं खुद तोड़ के आया हूँ किसने
अरे केस दे। इनकी पत्नी लड़का निकल गई। ओहो। इनमें इनका वो किसी ने काला बोल दिया। ओहो। और इसके पति बिट्टू को कुत्ता बोल दिया। अरे नहीं नहीं, बिट्टू मेरा पति नहीं, वो तो मेरा डॉगी है। मैडम कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे ना। तुमने मेरे बिट्टू को कुत्ता कहा, तुम्हें मैं बताती हूँ। मारो, मारो, मारो। मैं बैठा हूँ ना इधर, तू मेरा समझाना खड़े हो गए। गोली मार दो। मैं टेलिंग यू गला काट दो। एक मिनट। हाँ भाई, आपका कुत्ता लड़का है? नहीं, अरे मेरी पत्नी लड़का है, तो काली थी। काला मुझे बोला इसने। आप इनकी पत्नी हो लेकिन आपको लड़का नहीं हो। मैं तो लड़की हूँ। तो लड़का कौन है? अरे मैं हूँ लड़का। वो तो आपकी पत्नी थी यार, वो भी लड़का है। तो कुत्ता कौन है? कुत्ता इसका पति है। मेरा पति कुत्ता नहीं, मेरी पत्नी लड़का। अरे काला तो बिट्टू है। अरे अरे दिखाता हूँ शर्मा जी के नलायक लड़की की कहानी, जो कि पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। देखो क्यों। हाय, और खुश तो बहुत हूँ। जिस इंसान ने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैला गया। खुश तो बहुत हूँ। औरत जो जिंदगी भर चलती रही पर तुम्हारे मंदिर की टीम चलाती थी, वो औरत आज जिंदगी और मौत की तरह से। अच्छा भाई साहब पलटना। आज मेरे पास नौकरी नहीं है और इसकी वजह हो तुम। इन्हीं की तो गलती है। अरे भगवान ने तो एक सृष्टि बनाई थी और आपने एक राजू के चक्कर में छह छह सृष्टियां पैदा कर दी। खुद नतीजा देख लो, 1,00,000 लोगों में से 30,000 बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। जनसंख्या बढ़ने की वजह बता सकता है? भैया जी पावर कट। पावर कट कैसे यार? अब भैया जी एक बात बताओ ना, बिजली चली जाएगी, अंधेरा आ जाएगा, तो अंधेरे में कौन सा चिराग जलाओगे? ये कॉन्डम नहीं है, ये तो लॉलीपॉप है। इसकी लॉली गिर गई, पॉपअप रह गई। भाई अब उन आंटी को कौन समझाए कि आंटी कॉन्डम इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल ना करना गलत है। चलो ये तो हो गई एक वजह, लेकिन और क्या क्या वजह हो सकती है जो जन बोलो भैया जी एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी कैसे? अब भैया जी एक बात सोचो, आपके पास नौकरी नहीं, घर पे वेले बैठे हो, तो घर पे बैठ के करोगे ही ना। निकल चल। ऐसे लोग होते हैं, इनसे कॉमेडी तो होती नहीं है, गंदे जोक मारते ताकि ऑडियंस हंसे। हैं भैया जी, ऑडियंस हंसती भी है। कॉन्ट्रासेप्टिव जैसी चीजों का नाम सुन के शर्माना, ऐसी चीजों का नाम सुन के घबरा जाना, इन सब चीजों की शुरुआत हमारे ही घर से होती है। देखो बेटा शोर क्यों मचा रखा है? पापा आज स्कूल में ना हमें एजुकेशन दिया गया। एजुकेशन? सीटी एजुकेशन। वो क्यों होता है? अरे अंकल सेक्स एजुकेशन। क्या? अरे कुछ नहीं, ये आंटी को बोलना ही नहीं आता। ओ छोटी सी आंटी, वो एजुकेशन होता है। क्या जल्दी जल्दी चीजें पढ़ रहा स्कूल में? चल मैं सब आगे। पहली बार कभी पेट, कभी स्ट्रीट प्ले की पेरिस में तो बाहर आ रही है। Oh
मैं कहता हूँ देश की जनसंख्या कम करना है काम, एकमात्र इलाज है नसबंदी। पापा ये नसबंदी क्या होती है? ये कैमरा वाले भी बताएंगे। और पापा ये कॉन्डम क्या होता है? ये अच्छा सवाल ना है ना बेटा, सोच ये बोतल है, ये ढक्कन है, तूने ढक्कन लगाया तो लीकेज नहीं होगी। तो कॉन्डम टपर वेयर है? अबे टपर वेयर नहीं, अपर वेयर है। हां जी जान लो बेटा, मम्मी बुला ली, मम्मी से मिल। इनको समझाने नहीं आता। कैमरे वाले भैया आपके पापा से पूछ के आऊंगा मैं। नसबंदी जैसी चीजों के बारे में खुलकर बात ना करना, अपने परिवार में खुलकर चर्चा ना करना, कुछ यही छोटे छोटे कारण है जिसकी वजह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई। दरअसल हुआ क्या है, लोगों ने मोदी जी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गलत ले लिया। भाई मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया नॉट मेक आउट इन इंडिया। भैया जी ये वही बात नहीं हो गई, नॉट ही अमेरिका और पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है। तुम्हारा दिख रहा चप्पल मार के भाई सर। तेरे को क्या हो गया? सारा है भीड़ शहरों में बढ़ती रही, इमारतें बनती रही और सुकून उसी भीड़ में कहीं खोता रहा, मगर कहीं उन शहरों की भीड़ से दूर हाँ कहीं वो सुकून, वो शांति और सिर्फ चैन से जीने का जुनून। आइए देखें कहानी वहां उस जंगल की। हाँ मैं बल्लू के साथ खेलने जा रहा हूँ। ए बल्लू उठना, बल्लू कब तक सोएगा? बल्लू उठ यार, बगीरे मेरा सच्चा दोस्त है। ए बगीरे चला तुझे गाली सुनाता हूँ। जंगल में डिगा डिगा, जंगल में डिगा डिगा, जंगल में डिगा 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 डिगा, जंगल में डिगा डिगा, जंगल में डिगा डिगा, जंगल में डिगा 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 डिगा। अंडी आवाज चलती है कोई गुनगुनाती है, पुकार मंजूर मारा उसके साथ। वो कौन है? हम क्यों मौन है? हम खुश थे अपनी परिवार के साथ। ये मेरा घर था, मैं यहीं पला हूं, बंदरों और भेड़ों के साथ चला हूं। इन
इन पेड़ों को उखाड़ दिया, बेरहमी से मेरा घर उजाड़ दिया। कौन आया था, ये किसने किया, वो आदमी कौन है, हम अभी भी क्यों मौन है। रुपए खिलाए थे, क्यों तो क्या करता, लोग इतने हैं, भीड़ से जीतने के लिए पैसे खिलाने पड़े, भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ा। और वैसे भी मेरे जैसे बहुत हैं, नौकरी नहीं थी, पैसा चाहिए था, थोड़े से पैसों के लिए किसी का गला काटना पड़ा तो काट दिया, और जिसको मारा उसका क्या, इतने सारे लोग हैं, एक को मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मेरे जैसे बहुत है। भूख लगी है मुझे, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है मैंने। क्यों, मैंने तुम्हें खाने के लिए अनाज दिया तो है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन यहाँ दाना पैदा होने से पहले खाने वाले पैदा हो जाते हैं। और पेड़, फिर पेड़ क्यों काट रहे हो? वैसे ही इतने लोग बेघर हैं, और नहीं मेरी बात तो एक की जगह वैसे ही 10 लोग रह रहे थे, और 11वीं की जगह भी तो बनानी थी, और वैसे भी मेरे जैसे बहुत है। काट दो पेड़ भी, काट दो इंसान भी, काट दो। हमारे पास पेड़ों की छाव नहीं है, वो इसलिए क्योंकि तुमने पेड़ काट के अपने लिए कागज और कुर्सियां जो बना ली। जनसंख्या बढ़ रही है, इसमें हमारी क्या गलती, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम इंसान अपनी गलतियां कभी मानते ही नहीं। हम तुम्हें अपनी तकलीफें बता रहे हैं, और तुम्हें कुछ असर ही नहीं हो रहा। तकलीफें तुमने अपने आप के लिए खुद पैदा की है, तो तुम ही बताओ क्या गलती है हमारी। तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ बात करते हो, तुम बात करते हो सामाजिक मुद्दों की, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, भुखमरी या फिर आंधी की रफ्तार से बढ़ता हुआ जुर्म, लेकिन इसकी मूल वजह पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मूल वजह है बढ़ती हुई जनसंख्या, और वैसे भी हमारे जैसे बहुत है। अरे आओ भाई, गाने वाले आओ। आज कौन सा गाना गाऊं? जलेबी भाई। हो गया उठो, जाओ बजा भाई।
है।